हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावा फैब्रिकेटर्स में, जहाँ पे मिलती है आपको फैब्रिकेशन संबंधित सभी जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन वेल्डिंग के प्रकार के जानने से पहले हम जान लेते हैं वेल्डिंग क्या है। तो चलिए इसको साधारण रूप से समझते हैं। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए आज वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, चाहे वह छोटे उपकरण हो या बड़े साइकिल से लेकर प्लेन। हर पार्ट्स को जोड़ने के लिए वेल्डिंग उपयोग अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। इसका पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाता है। जहाँ भी दो या दो से अधिक जॉइंट जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है, वेल्डिंग के उपयोग करके जोड़ा जाता है। अगर हम वेल्डिंग की परिभाषा की बात करें तो दो मेटल को उच्च तापमान पर गर्म करके तीसरे मेटल की सहायता से उस दोनों को जोड़ने से जो वेल्डिंग होती है उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हम जानते हैं कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा मुख्य पाठ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वेल्डिंग के कुल 7 प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार हम बात करते हैं वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको हम दूसरे भाषा में गैस मेटल ARC वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GMAW। क्या कहते हैं? GMAW। अब GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसे हम MIG वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। आज इसका उपयोग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग में वर्क पीस, मतलब जो हमारा लोहा होता है या टुकड़ा होता है, वर्क पीस को इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोड ARC उत्पन्न होता है। मतलब जब इलेक्ट्रोड और वर्क पीस को जब सटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो क्या होता है, वर्क पीस में उच्च तापमान की वजह से मेल्ट होता है, मतलब गलना आरंभ कर देता है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जॉइंट हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अपने भाषा में MIG वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वेल्डिंग वायर के साथ स्लाइड्स गैस को टॉर्च गन से फीड किया जाता है और जिससे वितरण प्रभाव ना के बराबर पड़ता है और वेल्डिंग बिना किसी डिफरेंट के अच्छे से हो पाता है, जिसको हम लोग MIG वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के वेल्डिंग के बारे में, जो है TIG। TIG मतलब गैस टंगस्टन ARC वेल्डिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं GTAW। अब इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। GTAW एक टंगस्टन इस्टर गैस वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग में नॉन कंजेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। TIG वेल्डिंग में वेल्डिंग वातावरण को ऑक्साइडेशन या इंस्ट्रेट गैस से सुरक्षित कर वेल्डिंग को प्रोसेस किया जाता है। गैस टंगस्टन ARC वेल्डिंग का उपयोग प्रायः नॉन फेरियस या स्टेनलेस स्टील के पतले प्लेट को वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अल्मोनियम, मैग्नीशियम या कॉपर एलॉय जैसे धातुओं पर इसका अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के वेल्डिंग के बारे में, जो है अस्टिक वेल्डिंग। जी हाँ, अस्टिक वेल्डिंग मतलब स्लेडेड मेटल ARC वेल्डिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं SMAW। यह वेल्डिंग बहुत पॉपुलर वेल्डिंग में SMAW वेल्डिंग के मैनुअल मेटल ARC वेल्डिंग या मेटल ARC वेल्डिंग भी कहते हैं। अस्टिक और मैनुअल वेल्डिंग में कंजूबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जिस पर फ्लक्स चढ़ा होता है, जिससे वेल्डिंग अच्छे क्वालिटी से और बिना डिफ़िकल्ट से हो जाता है। इस वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन मेटल प्लेट या थिकनेस पर ज़रूरत के हिसाब से देखकर किया जाता है और इलेक्ट्रोड का चयन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के वेल्डिंग के बारे में, जो है फ्लक्स कोरेड ARC वेल्डिंग। ये इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं FCAW। यह वेल्डिंग प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वेल्डिंग होता है। यह ARC वेल्डिंग से प्रोसेस से होता है, जिसमें वेल्डिंग के लिए कंजूबल इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग के प्लेट के बीच ARC उपयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग का प्राय उपयोग प्लेन कार्बन एलॉय स्टेनलेस स्टील डुप्लेक्स स्टील में सबसे ज़्यादा किया जाता है। FCAW और MIG वेल्डिंग दोनों बहुत ही सामान्य तौर पर दोनों प्रोसेस समान के बराबर होते हैं या समान होते हैं। अब हम बात करते हैं पाँचवें नंबर के वेल्डिंग के बारे में, जो है एनर्जी बीम वेल्डिंग, मतलब EBW। अब इस वेल्डिंग के बारे में कुछ समझते हैं। इस वेल्डिंग में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड को अप्लाई कर दो प्लेटों को जोड़ा जाता है, मतलब इसमें क्या जाता है, मोटे मोटे प्लेटों को जोड़ने का काम किया जाता है इसमें EBW वेल्डिंग में। यह वेल्डिंग फंक्शंस वेल्डिंग होता है। इस वेल्डिंग को
वैक्यूम में प्रोसेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं छठे नंबर के वेल्डिंग के बारे में, जो होता है ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, मतलब ASW। यह वेल्डिंग एक ARC वेल्डिंग है जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को प्लेटों के बीच ARC वेल्डिंग उपयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग में हाइड्रोजन का स्लाइडेड एटोप्रेज क्या करके जोड़ा जाता है। अब दोस्तों सबसे अंतिम और लास्ट वेल्डिंग के बारे में हम जान लेते हैं, जो है प्लाज्मा ARC वेल्डिंग, मतलब PAW। इससे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, टिक और मिग वेल्डिंग, जो टिक वेल्डिंग होता है इसको इस वीडियो में देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा है, और मिग वेल्डिंग जो इस वीडियो में देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा है। दोनों में डिफरेंस होता है कि जो होता है टिग वेल्डिंग, यह क्या होता है कि टिग वेल्डिंग का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन मिग वेल्डिंग का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और यह बहुत आसान भी होता है, इस बात को समझ लीजिए। और जो टिग वेल्डिंग होता है इसको ग्लू गन वेल्डिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गन प्रकार से एक रॉड डाल के गन के हिसाब से चलाया जाता है और वेल्डिंग होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम वेल्डिंग के बारे में, जो होता है प्लाज्मा ARC वेल्डिंग, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PAW भी बोल सकते हैं। यह वेल्डिंग भी ARC वेल्डिंग की श्रेणी में आता है। प्लाज्मा ARC वेल्डिंग यह स्लिमर होता है। गैस टंगस्टन ARC वेल्डिंग, इससे गैस प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके लोनाइज और क्वांटिटेटिव बनाया जाता है। इस वेल्डिंग का प्रोसेस GTAW से बहुत मिलता जुलता है, जिसमें आप लोगों ने GTAW के बारे में पढ़ा जो सबसे पहले नंबर में था, सेम टू सेम उसी प्रकार से लास्ट वेल्डिंग भी होता है जो प्लाज्मा वेल्डिंग के हिसाब से होता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई इसमें कमी आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसे अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम बताएंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रोड को गलने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।